आज हम बनाएंगे मटर के पराठे बिल्कुल फूली फूली। तो ये देखिए ना कहीं से फटी है ना कुछ हुआ है ना इसमें से निकला है। तो आप ऐसे पराठे घर पे बना सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल फूली फूली है। और आप इसको चटनी के साथ, सब्जी के साथ या तो अचार के साथ खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो मटर की पूड़ी है कैसे बनी है। हेलो फ्रेंड, प्रियंका कुक 5H के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर की पूड़ी। तो मैंने ये मटर ले लिया है, फ्रेश मटर है और इसका छिलका हमने उतार दिया है, छील लिया है। और अब इसको हम क्या करेंगे, धुल लेंगे, अच्छे से धुल लेंगे दो तीन पानी में, जो स्किन पे मिट्टी उट्टी लगी रहती है वो हट जाएगी। तो मैंने मटर को धुल लिया है, दो पानी से धुल लिया है और ये बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है। तो अब इसके तड़के के लिए हम कुछ सामान ले लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने तीन मिर्ची ले ली है और इसको मैंने स्लाइस जैसे कट कर लिया है। और ये लहसुन ले लिया है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, तड़का दे देते हैं इसका। तो एक मैंने ये पैन ले लिया है, इसको गैस पे रख दिया है और इसमें अब डालेंगे हम तेल को। तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन को और इनको थोड़ा सा हम भून लेंगे लहसुन। थोड़ा सा हम बस भूनेंगे इसको, फिर उसके पास से हमने डालना है मिर्ची। साथ में डाल दिया मिर्ची। अब इन दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे मटर, जो हमने मटर छिला था, अब इसको हम डाल देते हैं इसमें और इसको हम अच्छे से चला देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से तेल में। और इसको हम ढक के पका देंगे ताकि जो है ये ऊपर और नीचे के साइड से अच्छे तरीके से ये पक जाए मटर हमारी। तो इसको हम ढक देंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, मसाले डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। और अब इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला एक चम्मच, छोटे चम्मच से। और इसमें डाल देते हैं कलर आने के लिए हल्दी। और अब इन सब मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाला हमारा जले नहीं। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही भूनेंगे इसको। ये रहा, अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसको हम एक मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो थोड़ा अच्छे से पक जाए। तो इसको हम ढक के पका लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है अच्छे से पक गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा करके हम पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने जो है इसको पीस लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती हमें बाद में ही डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें चाट मसाला कि थोड़ा सा ये चटपटा बन जाए। वो आपके ऊपर है, आप डालें या ना डालें। हम थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। पूड़ी के लिए मैंने आटा तैयार कर लिया है। तो ये देखिए ज़्यादा मैंने टाइट आटा नहीं बनाया है, थोड़ा सा गीला ही है ताकि इससे जो पूड़ी हमारी है बिल्कुल अच्छे से बनती है और जो साइड साइड में से है वो फटती नहीं है। तो एक मैंने इतनी छोटी लोई ले लिया है और इसको ऐसे हमें गोल कर लेना है और फिर मोमोज जैसे बना के इसको काट लेना है। और उसके बाद से फिर गोल कर लेंगे और थोड़ा सा हम लगाएंगे सूखा आटा। सूखा आटा लगाने के बाद इसको हम ऐसे गोल करके चकला बना लेंगे।
ऐसे देखिए, ऐसे से करके हमें बना लेना है। और क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम जो मैंने मटर का बराबर बनाया है तो अब इसको हम डाल देते हैं, इसके अंदर डाल देंगे। हमें ज़्यादा भी नहीं लेना है, नहीं तो जो पूरी हमारी है वो बिल्कुल फटने लगेगी साइड साइड से। तो अब ऐसे हमें दो उंगलियों से ऐसे दबा लेना है। ये देखिए, बनाना बहुत आसान है, आप एक बार ट्राई करिए। तो ऐसे हमें बना लेना है, ऐसे करके। ये चीज़ जो है इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मोड़ देंगे, इसी में ऐसे मोड़ लेंगे तो ये जो रोटी हमारी है वो फटेगी नहीं। और इस पर हम सूखा आटा और लगा लेते हैं थोड़ा सा ऊपर से ऐसे, और इसको हमें हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से हमें रोटी बेल लेनी है। तो ये देखिए, और इसकी पूरी जो है बहुत टेस्टी बनती है, मीठी भी लगती है इसकी पूरी, और सबको पसंद आती है। तो ये देखिए, हमने इसका पूरी बना लिया है। और अब हम क्या करेंगे, तवा को गरम कर लेते हैं। पूरी हमारी जो है बनके तैयार है, ये देखिए। तो देखिए, तवा जो हमारा है अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इस पे हम डाल देंगे रोटी को और थोड़ी देर तक सेकने देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, पलट लेंगे और इसके ऊपर से हम लगा लेंगे तेल को। आप रिफाइंड तेल भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं, जो आपके पास हो आप वो लगा सकते हैं। तो ये मैंने लगा दिया है तेल को। तो अब इसको हम क्या करते हैं, दूसरी साइड भी ऐसे पलट लेंगे और इस पे भी हम तेल लगा लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड हमने तेल लगा लिया है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे ना, उल्टा पुल्टा करके पका लेंगे दोनों साइड से ऐसे करके। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी फूली फूली पूरी बनी है हमारी। तो अब इसको क्या करते हैं, अलग निकाल लेते हैं बर्तन में। और अब ऐसे हम दूसरी रोटी भी बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारी दूसरी भी रोटी बन चुकी है। ऐसे करके हमें सब रोटियां ऐसे ही सेक लेंगे। तो ये देखिए, हमारे जो है मटर के पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। और देखिए, साइड से बिल्कुल फटा नहीं है। आप इसका आटा जो गूंथेंगे तो उसको बिल्कुल नरम गूंथिए, टाइट नहीं, तो रोटी आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी और फटेगी नहीं। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।